काफी लोग मेरे पास में आते हैं कि हमें गुस्सा आता है, गुस्सा कैसे कम करना चाहिए, या हम अपसेट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, उससे कैसे बचे। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। गुस्सा हमको इसलिए आता है कि हमारे मन के खिलाफ यदि कुछ हो जाता है तो गुस्सा आ जाता है। मुझे जैसा चाहिए वैसा सामने वाला नहीं करता है, मेरी जो अपेक्षा है वो अपेक्षा की पूर्ति सामने वाला नहीं करता है, तो मैं विचलित होता हूँ, अपसेट हो जाता हूँ या मुझे गुस्सा आता है। मुझे लगता है कि मेरे मन के जैसा सामने वाले ने बर्ताव करना चाहिए, मैं जो बोलता हूँ वैसा उसने करना चाहिए, उससे गुस्सा आता है। या फिर मुझे जो रिजल्ट हासिल करने के हैं, जो मुझे रिजल्ट चाहिए, जो सफलता मुझे चाहिए, जो मेरे दिमाग में मुझे ये चाहिए, ये करने से मुझे ये मिलेगा और वो मिलता नहीं है, मैं हार जाता हूँ, या मुझे वो मिलने देने के लिए लोग कुछ मेरी तंगड़ी खींच डालते हैं, या मुझे कुछ कारणवश वो नहीं मिलता है तो मैं अपसेट हो जाता हूँ या गुस्सा करता हूँ। या फिर मुझे कुछ बोलने का है और मैं बोलता नहीं हूँ किसको, और मैं उसके वजह से गुस्सा करता हूँ या अपसेट हो जाता हूँ, या मैं मन में विचलित हो जाता हूँ। तो कुछ लोग गुस्सा आने के बाद में मतलब उनका ईगो इतना ही रहता है, आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा ईगो रहता है, और उनके ईगो को ठेच पहुँचा दिया, उनको कुछ इंसल्ट कर दिया, उनको कुछ बोल दिया उल्टा पुल्टा, तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, और फिर उल्टा पुल्टा वो गुस्सा करके चिल्लाएंगे, चीखेंगे, और कुछ लोग मारपीट पे भी आ जाते हैं। अच्छा, गुस्सा आने से होता क्या है कि गुस्सा आने से संबंध खराब हो जाते हैं। गुस्से में, भावनाओं के आवेश में लोग कुछ भी किसको बोल देते हैं, मन टूट जाते हैं, हमारी जबान जो है ना वो जहरीली है, उससे क्या निकलेगा उस समय मालूम नहीं पड़ता, तो जहरीली जबान हो जाती है हमारी उस समय, और उसमें कुछ भी बाहर निकलेगा और सामने वाले को बहुत ठेस पहुँचेंगी, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा और उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो करना क्या है इसके लिए? करना यही है कि भाई पहले अपने ईगो को छांटना पड़ता है। जो मेरा ईगो है, जो मेरी आइडेंटिटी है कि मैं, मेरा, मुझे लोगों ने मान सम्मान दिया चाहिए, मेरा मानना चाहिए, तो इसके बारे छांटना पड़ेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लोगों ने मेरा मानना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं जैसा बोलता हूँ वैसे ही लोगों ने करना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेरे मुताबिक ही लोग वैसा व्यवहार करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो लोगों का मानो, लोगों की सुनो, लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या चाहिए, वो हम देखते हैं तो गुस्सा कम हो जाएगा। फिर जो मुझे चाहिए, जो मेरा इंटेंशन है, जो मेरा उद्देश्य है, वो यदि पूरा होता नहीं है तो मुझे गुस्सा आता है या मैं विचलित हो जाता हूँ। तो ये देखो कि भाई हरदम मुझे, मैंने ये देखना चाहिए कि हरदम मुझे सफलता ही मिलेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हरदम मेरे जो उद्देश्य है वो पूर्ति, उसका मतलब उद्देश्य पूर्ति हो जाएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरा काम क्या है कि मेरा काम, काम करो, पूरा फोकस एक्शन पे लो, पूरा फोकस जो हाथ में है उसके ऊपर रखो, उसका रिजल्ट जो है वो कुछ भी मिल सकता है। सो कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, जो मिलेगा वो मिलेगा। यदि मेरे दिमाग में ऐसा और वहाँ से मैं काम करता हूँ तो मैं विचलित नहीं होऊंगा या मुझे गुस्सा नहीं आएगा। और तीसरा, जो मुझे किसको भी बोलना है, यदि वो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, सीधी बात करता हूँ, ना छुपके छुपके कुछ बोलना, या उसके पीठ के पीछे कुछ बोलना, या फिर कोई किसी के सामने अपनी बात नहीं रखना, फिर उससे भी विचलित हो जाता है, उससे भी गुस्सा आ जाता है। तो साफ बात करना, और बात करने के समय आप हरदम प्लीज़ या रिक्वेस्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप बोल सकते हो, प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे आपको ऐसा ऐसा बोलना है, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ऐसा आप बोल सकते हैं किसको भी। तो फिर वो आप करते तो गुस्सा नहीं आएगा। फिर हम बोलते हैं कि नहीं, गुस्सा आ गया, गुस्से में है, तो उस समय कुछ भी मत बोलो, चुप रहो, शांति रखो, एकदम बिल्कुल चुप रहना, कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ सुनने का है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो तुरंत रिएक्ट नहीं करना है जब गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो ठंडा एक गिलास पानी पियो, दो गिलास पानी पियो, और शांत बैठो, आंखें बंद करके बैठो। तीसरा, वहां से निकल जाओ ऐसा कुछ होता है तो, कि नहीं भाई मेरा कंट्रोल नहीं होगा, वहां से निकल जाना, किसको कुछ बोलना भी नहीं है। और चौथा, बाद में जो भी कुछ बोलना है, भावनाओं का अतिरेक एक बार खत्म हो गया, भावना एक बार शांत हो गई,
फिर जिसके साथ में आपको जो भी कुछ बोलना है वो बोल डालो, शांति से आराम से बोलो, ताकि वो भी अपसेट नहीं हो जाएगा और मेरा भी अपसेट जो हुआ हूँ वो मैं शांति से मैं रिलैक्स हो सकूँ और शांति से आराम से मैं मेरा जीवन जी सकूँ। तो ये गुस्से गुस्सा कम करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। हम लोगों को सेल्फ हिप्नोसिस सिखाते हैं, स्व सम्मोहन, लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं, सेल्फ रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं और गुस्से के ऊपर मात कैसे करना, गुस्से को कम कैसे करना सिखाते हैं। अल्टीमेटली गुस्सा जो है वो हमने सीखा हुआ है। मैं हरदम बोलता हूँ कि जिसके सामने गुस्सा नहीं करना आपको मालूम है वहाँ गुस्सा नहीं करेंगे। कोई बड़ा आदमी होगा, कोई अथॉरिटी फिगर होंगी तो आप गुस्सा नहीं करेंगे, वहाँ चुप बैठेंगे। जिसके ऊपर गुस्सा कर सकते वहीं गुस्सा करते हैं। इसका मतलब गुस्सा अपने कंट्रोल में है, ऐसा नहीं कि गुस्सा कंट्रोल में नहीं है। तो गुस्सा कंट्रोल में ही रखो, जबान से किसको दुखी मत करो, जबान से किसको डिस्टर्ब मत करो। और कभी होता ही है, कभी किसको आप डिस्टर्ब करते हो तो लोगों की माफ़ी मांग लो कि मैंने गलती किया, मैंने आपको दुखाया। क्योंकि फिर हम किसको दुखाते हैं, किसको बोल देते हैं तो वो अपसेट हो जाता है, उसको गुस्सा आता है। तो लोगों की माफ़ी मांग लो कि मैंने ऐसा बोलना नहीं चाहता, मैंने ऐसा बोल दिया गुस्से में, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इस तरह से करते हैं तो आपके आपसी संबंध जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे। और यदि आपके आपसी रिश्ते अच्छे होते हैं तो आपको जीवन में सफलता बहुत ज़्यादा लेवल पर मिलेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हम आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन करो, आप यदि कुछ पॉइंट्स डालते हैं ना नीचे तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करो। ये वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हमारा जो मिशन है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्त भारत, इसमें हमारे पार्टनर बन जाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द वीडियो।